हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन में। दोस्तों मैं सागर आज आपके सामने फ्रेंड्स आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस इयर्स के मैथ्स के क्वेश्चन लेके आया हूं। फ्रेंड्स ये पार्ट 6 है, इसके पहले मैंने 5 और वीडियोस बनाए हैं, जो चाहे आप तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाके देख सकते हैं। फ्रेंड चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गुणनखंड कीजिए। आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 48 दिया, वैसा गुणनखंड करना है फ्रेंड। तो आपको ऐसे तोड़ना है 48, क्या करते हैं ये दोनों को इंटू करते हैं 48x स्क्वायर आएगा। इसको हमको ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे 13 आए, तो इसको 16 और x लिख सकते हैं, 16 गुने 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और माइनस प्लस करेंगे तो 13 भी आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 3x माइनस 48। अब देखिए ये दोनों को अगर इंटू करेंगे तो माइनस 48x स्क्वायर आएगा, अगर माइनस करते हैं माइनस 13x आ जाएगा, ठीक है। इसमें कॉमन लीजिए, x कॉमन हो गया, x माइनस 16 हो गया, ठीक है। प्लस 3 कॉमन लेते हैं तो इसे क्या हो जाएगा, x माइनस 16 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, x प्लस 3 एक्स माइनस 16। कहां आंसर फ्रेंड्स, देखिए सी आपका सही उत्तर है, समझ आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 और 63 का मौसा ज्ञात कीजिए। मौसा में होता है एचसीएफ, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया हुआ फ्रेंड्स, आप चाहे तो ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं और ऐसे निकाल भी सकते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन से निकाल के देखते हैं। तो 3 वह छोटी से छोटी संख्या, जिस संख्या से वह बड़ी से बड़ी संख्या, जिस संख्या से क्या होगा ना, दोनों संख्या विभाजित होती है, उसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो देखिए 3 से काट के देखते हैं, 36 कटता है, 63 कटता है। तो फ्रेंड्स आप और सब जो संख्या है वो तो बड़ी संख्या है और 3 सबसे छोटी संख्या है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप करके देख सकते हैं, 6 से 36 कटेगा, 63 नहीं कटेगा, गलती हो गया। 9 से 36 कटेगा, 9 से 63 कटेगा, लेकिन ये बड़ी संख्या होगी, ठीक है, ये भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा। तो 3 आपका सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि है क्या होगा। अर्धवृत्त कहते हैं सेमी सर्कल को, ठीक है। सेमी सर्कल का आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है, पेरीमीटर। आपको एक व्यास का दे दिया 28 सेंटीमीटर, दे दिया 14 सेंटीमीटर, क्या होगा इसका रेडियस हो जाएगा। व्यास में क्या होता है, व्यास में होता है डायमीटर होता है, क्या होता है, डायमीटर होता है 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 28/2 हो जाएगा, दैट इज 14 सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको निकालना क्या है, अर्धवृत्त का परिधि निकालना है। तो अर्धवृत्त क्या हो गया, 2πr/2 हो गया, ठीक है। और यहां क्या हो गया, ये डिस्टेंस भी आपका अर्धवृत्त में शामिल हो जाएगा, तो प्लस 2r हो जाएगा, डी भी लिख सकते हैं, 2 काट दीजिए, पाई आर प्लस 2r, ओके। 22/7, r कितना है, r है 14, प्लस 2r कितना हो जाएगा, 28, काट दीजिए, 7 × 14, 44 + 28 कितना हो गया फ्रेंड्स, 72 सेंटीमीटर हो गया, इसका क्या परिधि हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। आपको क्या निकालना है, नंबर दिया हुआ फ्रेंड, संख्या दिया हुआ, आपको माध्यिका निकालना है, बहुलक निकालना है, माध्य निकालना है, ठीक है। माध्यिका जिसे हम मीडियन बोलते हैं, मीडियन, बहुलक जिसे हम मोड बोलते हैं, और माध्य जिसे हम मीन बोलते हैं, ओके। चलिए अब आपको निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको हम आरोही क्रम में अरेंज करेंगे, मीडियन निकाल रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आरोही क्रम में अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 सबसे छोटा हो गया, फिर 3 हो, 1 के बाद 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 9 और 9 हो गया, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, तो n प्लस 1/2 कर देंगे, तो n प्लस 1 9 + 1/2 कर देंगे, 10/2 क्या गया, 5 आ गया। तो पांचवा संख्या जो है ना, वही क्या हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5, तो 8 क्या हो गया आपका, मीडियम हो गया, ठीक है। अब आपको दूसरा क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो वैसी संख्या जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स लिखी गई है, वही मोड हो जाता है। यहाँ जो 9 है ना, वो 3 टाइम लिखा गया, 8 2 टाइम लिखा गया, और सब 1-1 टाइम। तो सबसे ज्यादा बार क्या लिखा गया, 9 लिखा गया, तो 9 आपका मोड हो जाएगा। मीन में क्या करते हैं, मीन मीन्स हो गया माध्य, सबको ऐड करके बटा नंबर ऑफ, सबको ऐड करके नंबर ऑफ डिजिट क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, सबको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 2, 1, 3, 3, 3, 6, 5, 11, 8, 19, 19, 27, 27 और 27 54, 54 को क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, 6 आपका क्या हो गया, मीन हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स, आपका मीडियन आ गया 8, आपका मोड आ गया 9, और आपका मीन आ गया 6 आ गया, यही आपका क्या हो गया, 8, 9, 6 आपका उत्तर हो गया। इसमें आपको तीनों निकालना था, मीडियन, मोड और मीन निकालना था। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो मैंने मैथ का एक बनाया है, एक चैप्टर वाइज बनाया है, आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया है, मीडियन मोड और मीन कैसे निकालते हैं, उसमें थ्योरी बताया हूं फ्रेंड्स। आप चाहें तो वीडियो में जाके मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है, इसको मान लेते हैं 4x = 5x है। यदि दोनों में से 5 घटाया जाए, 5 घटा लेते हैं
तो नया अनुपात 3:4 आ जाता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 4×16x-20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15x-15। ओके तो क्या हो गया x इक्वल टू क्या हो गया 5 आ गया। अब क्या निकालना है, बड़ी संख्या ज्ञात करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 5 है तो 5x हो जाएगा, तो 5x बराबर क्या हो गया 5×5 = 25 इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, छठा नंबर क्वेश्चन है 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर बनाए हुए वर्ग, ठीक है समझना है, ठीक है 13 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है त्रिज्या वाले वृत्त है 13 सेंटीमीटर, ठीक है इसकी परिधि क्या बनाया गया वर्ग है, क्या है वर्ग है, ओके वर्ग है, ठीक है इसमें बनाया गया है आपका वर्ग बनाया गया, इस वर्ग का क्षेत्रफल पूरा है, अगर ये 13 है तो ये भी 13 हो जाएगा, तो कितना हो गया 26 हो गया टोटल, ये भी 26 हो गया ये भी 26 हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है a का स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर मींस 26 का स्क्वायर, 26 का कितना हो जाएगा 6×36 6×24 3×27 7 अपना 2×4 4×6 6 × 76 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एक आदमी 8 मिनट में 2 किलोमीटर दूरी तय करता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, स्पीड का आपको पता है फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम होता है, दूरी बटा समय होता है, तो स्पीड आपको निकालना है, डिस्टेंस दे दिया 2 किलोमीटर और टाइम आपका मिनट में दिया, इसको क्या करेंगे इसको आवर्स में चेंज करने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 60 से, जो डिवाइड करेंगे तो क्रॉस हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/8 × 60 हो जाएगा, 4 से काटिए 4×8 और ये हो गया 15, 2 से काटिए क्या हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका क्या है चाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 15, 20 तथा 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 3 बचता है। तो फ्रेंड छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे 10, 15, 20 और 25 का, तो फ्रेंड एलसीएम निकाल लीजिएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 300, ठीक है। तो 300 का अगर डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, अगर इसमें हम 3 ऐड कर देते हैं तो वो संख्या क्या हो जाएगी 303 हो जाएगी, जिसको दी गई संख्या से किसी से भी विभाजित करेंगे ना तो 3 शेष बचेगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका आरआरबी एनटीपीसी में 2016 के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस, जो कि मैं आपके सामने लेके आया। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए, इस तरह के वीडियोज आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।